शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अंधा सांप और डाकू दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल औरत हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तवातुर के साथ हमारी वीडियोज आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों, कुर्द कबीले का एक मशहूर डाकू था, वो अपना वाकया कुछ यूं बयान करता है कि हम दिन में अपने साथियों के हमराह कहीं पर डाका डालने जा रहे थे कि रास्ते पर हम एक जगह कुछ आराम के लिए बैठे तो हमने देखा कि तीन खजूर के दरख्त हैं, उनमें दो फलदार और एक बिल्कुल खुश्क है। एक चिड़िया बार बार आती है और फलदार दरख्तों पर से तरोताज़ा खजूर अपनी चोंच में लेकर खुश्क दरख्त पर जाती है। हमें यह देखकर ताज्जुब हुआ। मैंने 10 मरतबा उस चिड़िया को यूं खजूर ले जाते हुए देखा तो मुझे तजस्सुस हुआ कि इस पर चढ़कर क्यों देखूं कि यह चिड़िया इस दरख्त में जाकर क्या करती है। चुनाचे ऐसा दरख्त की चोटी पर जाकर देखा कि वहाँ एक अंधा सांप मुँह खोले पड़ा है और यह चिड़िया वो तरोताज़ा उसके मुँह में डाल रही है। मुझे ये देखकर इस कदर इबरत हुई कि मैं रोने लगा। मैंने कहा कि मेरे मौला, ये सांप जिसे मारने का हुक्म तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जब ये अंधा हो गया तो तूने उसको रोजी पहुंचाने के लिए चिड़िया को मुकर्रर कर दिया। मैं तेरा बंदा हूँ, तेरी तौहीद का इकरार करने वाला, लोगों को लूटने में लगा हूँ। ये कहने पर मेरे दिल में डाला गया कि मेरा दरवाज़ा तौबा के लिए खुला है। मैंने उसी वक्त अपनी तलवार तोड़ डाली जो लोगों को लूटने के काम देती थी और अपने सर पर हाक डालता हुआ दरगुजर चलने लगा। मुझे गैब से आवाज आई कि हमने दरगुजर कर दिया। अपने साथियों के पास आया, वो कहने लगे तुझे क्या हो गया। मैंने कहा कि मैं महजबार था, अब मैंने सुलह कर ली। ये कहकर मैंने सारा किस्सा उनको सुनाया। वो कहने लगे हम भी सुलह करते हैं। ये कहकर सबने अपनी तलवारें तोड़ दी और हम सब लूट का माल छोड़कर एहराम बांध कर मक्का के रादे चल दिए। हमारे अंदर भी अल्लाह तवक्कुल का फुकदान है, सब के सब लूट मार कर रहे हैं, जिसका जितना बस चलता है वो उतनी ही लूट मार कर रहा है। कोई अलन एलान डाकू है तो कोई मौसस पेशे से वाबस्ता होकर लोगों की जेबों पर डाका डाल रहा है। हैरत की बात तो ये है कि खरीदो फरोख्त के वक्त हम उसी रिस्क की झूठी कस्में खाते हैं जिसने हमें रिस्क का जिम्मा लिया हुआ है। वजह सिर्फ ये है कि हमें राज़िक़ की रज़ाकत का यकीन नहीं। हम यकीन करते हैं कि आज का ये सबक आमोस वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, जाते जाते हमारे YouTube चैनल औरत हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।